बेटे हिस्ट्री के बच्चे नोट करें, आज हम करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की पूर्व खालसा काल तथा उत्तर खालसा काल में लड़ी गई लड़ाइयों का संक्षिप्त वर्णन दो। ठीक है बेटा, तो गुरु गोविंद सिंह जी की पूर्व खालसा तथा उत्तर खालसा काल की लड़ाइयों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले भंगानी की लड़ाई। गुरु गोविंद सिंह जी और पहाड़ी राजाओं के बीच प्रथम लड़ाई भंगानी में हुई थी। इस लड़ाई के लिए कई कारण उत्तरदायी थे। पहला, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा पौंटा साहब में सिखों को सैनिक प्रशिक्षण देने से पहाड़ी राजाओं में घबराहट पैदा हो गई थी कि चिंतित हो गए थे पहाड़ी राजा कि ये पौंटा साहब में जो है सिखों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरा, गुरु जी मूर्ति पूजा और जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार करते थे, इसे पहाड़ी राजा अपने धर्म में हस्तक्षेप समझते थे। तीसरा, पहाड़ी राजाओं ने सिख संतों द्वारा लाए जा रहे उपहारों को मार्ग में ही लूटना आरंभ कर दिया था, गुरु साहिब ये बात पसंद नहीं करते थे। चौथा, मुगल सरकार ने इन्हें पहाड़ी राजाओं को गुरु साहिब के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भड़काया। फलस्वरूप कलहूर के शासक भीमचंद और श्रीनगर के शासक फतेह शाह के नेतृत्व में पहाड़ी राजाओं के गठबंधन ने गुरु साहिब पर भंगानी नामक स्थान पर 22 सितंबर 1688 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी ने शानदार विजय प्राप्त की। इस विजय से गुरु साहिब की प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई और उनका सम्मान भी काफ़ी बढ़ा। दूसरा है नादौन की लड़ाई। ये लड़ाई 1690 ईस्वी में हुई। भंगानी की लड़ाई के बाद गुरु गोविंद सिंह जी फिर से श्री अनंतपुर साहिब आ गए। इसी समय पहाड़ी राजाओं ने मुगलों को दिया जाने वाला वार्षिक कर देना बंद कर दिया। जब औरंगजेब को इस संबंध में पता चला तो उसके आदेश पर तथा जम्मू के सूबेदार मियां खान ने तुरंत अपने एक जर्नैल आलिफ खां के अंतर्गत मुगलों की एक सेना जो है पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध भेजी। ऐसे समय में भीमचंद ने गुरु साहिब को सहायता के लिए निवेदन किया। गुरु साहिब ने यह निवेदन स्वीकार कर लिया और 20 मार्च 1690 ईस्वी को जो है कांगड़ा के पास नादौन में भीमचंद और आलिफ खां की सेनाओं में लड़ाई आरंभ हुई। इस लड़ाई में आलिफ खां को पराजय का सामना करना पड़ा। नंबर तीन बेटा, श्री अनंतपुर साहिब की पहली लड़ाई 1701 ईस्वी। खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु साहिब की बढ़ रही ख्याति के कारण पहाड़ी राजाओं में घबराहट पैदा हो गई, क्योंकि गुरु जी की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी तो पहाड़ी राजाओं के लिए ये चिंता बन गई। कलहूर के राजा भीमचंद, जिसकी रियासत में श्री अनंतपुर साहिब पड़ता था, ने गुरु जी को अनंतपुर साहिब छोड़ने के लिए कहा। गुरु जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर भीमचंद ने कुछ पहाड़ी राजाओं से मिलकर 1701 ईस्वी में श्री अनंतपुर साहिब के किले पर आक्रमण कर दिया। जब पहाड़ी राजाओं ने देखा कि सफलता मिलने की कोई आशा नहीं है तो उन्होंने गुरु जी से संधि कर ली और फिर से एक बार गुरु जी के साथ हो गए। नंबर चार, श्री अनंतपुर साहिब की दूसरी लड़ाई। 1701 में पहली लड़ाई हुई थी अनंतपुर साहिब की, 1704 में फिर दूसरी लड़ाई। पहले पहाड़ी राजाओं ने गुरु जी से प्रतिशोध लेने की खातर मुगल सेनाओं से मिलकर मई 1704 ईस्वी में अनंतपुर साहिब को दूसरी बार घेर लिया। घेरे की अवधि बहुत लंबी हो गई, जिसके कारण क्या हुआ था, दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री कम होनी आरंभ हो गई, खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, इसलिए मुगलों का मुकाबला करना कठिन हो गया।
गुरु जी ने सिखों को कुछ और दिन संघर्ष जारी रखने को कहा, परंतु 40 सिख गुरु जी को बेदावा देकर दुर्ग छोड़कर चले गए। दूसरी ओर शाही सेना भी बहुत परेशान थी। उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने कुरान और गांव की कसम खाकर गुरु साहिब को विश्वास दिलाया कि यदि वे आनंदपुर साहिब छोड़ दें तो उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। गुरु साहिब को इन कसमों पर कोई विश्वास नहीं था, परंतु माता गुजरी जी तथा सिखों के निवेदन पर गुरु साहिब ने श्री आनंदपुर साहिब के दुर्ग को छोड़ दिया। नंबर 5 है बेटा, सिरसा की लड़ाई 1704 ईस्वी। श्री आनंदपुर साहिब छोड़ते ही मुगल सैनिकों ने गुरु जी पर फिर आक्रमण कर दिया। शाही सेना तथा सिखों में सिरसा में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में सिखों में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में गुरु साहिब के छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह तथा साहिबजादा फतेह सिंह जी और माता गुजरी जी उनसे बिछड़ गए। उसके बाद गंगू जो गुरु साहिब का पुराना सेवक था ने लालच में आकर उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खां को सौंप दिया। नवाब वजीर खां ने इन दोनों छोटे बालकों को 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को दीवारों में जीवित चिनवा दिया। नंबर 6 है चमकौर साहिब की लड़ाई 1704 ईस्वी। इसके बाद गुरु साहिब जी ने जो है अपने 40 सिखों के साथ चमकौर साहिब पहुँचे। गुरु जी तथा उनके साथियों ने एक गढ़ी में शरण ली। मुगल सेना ने गढ़ी पर 22 दिसंबर 1704 ईस्वी को आक्रमण कर दिया। ये बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई थी। इस लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह जी के दो बड़े साहिबजादों साहिबजादा अजीत सिंह तथा साहिबजादा जुझार सिंह जी ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया और अंत में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब 5 सिख शेष रह गए तो उन्होंने खालसा पंथ के लिए गुरु साहिब से गढ़ी छोड़ देने की प्रार्थना की। गुरु जी ने इस प्रार्थना को सिख पंथ का आदेश समझकर अपने साथ 3 सिखों को लेकर गढ़ी छोड़ गए। लास्ट है बेटा खिदराना की लड़ाई 1705 ईस्वी। गुरु जी तथा मुगल सेना में लड़ी जाने वाली अंतिम निर्णायक लड़ाई खिदराना में हुई थी। 29 दिसंबर 1705 ईस्वी को सरहिंद के नवाब वजीर खां ने गुरु जी की सेना पर खिदराना के स्थान पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में सिखों ने वीरता दिखाई और बड़ी शानदार विजय प्राप्त हुई। इस लड़ाई में वे 40 सिख भी शहीद हो गए जो श्री आनंदपुर साहिब की दूसरी लड़ाई में गुरु जी का साथ छोड़ गए थे। उनके बलिदान से प्रभावित होकर गुरु साहिब ने उन्हें मुक्ति का वरदान दिया। इसी कारण खिदराना का नाम श्री मुक्तसर साहिब पड़ गया। इस तरीके से बेटा ये 7 लड़ाइयां हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी की हुई हैं। उनको अच्छे से लिखना भी है और याद भी करना है। धन्यवाद।